आगर रोड स्थित चिमनगंज कृषि उपज मंडी में भारत बंद का असर दिखाई दिया। रोज की अपेक्षा में कम किसान उपज लेकर पहुंचे, तो वहीं सब्जी मंडी में रोज की तरह कामकाज हुआ। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में रोजाना 15 से 16 हजार क्विंटल अनाज बिक्री के लिए आता है। मंगलवार को भारत बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से यहां कम संख्या में किसान फसल लेकर पहुंचे। वहीं सब्जी मंडी में रोजाना की तरह किसान सब्जियां लेकर पहुंचे और नीलामी में भाग लिया। मंडी सचिव अश्विनी सिन्हा ने बताया कि आज 600 क्विंटल सोयाबीन, 300 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल चना की आवक हुई है। इस प्रकार रोजाना की तुलना में आज केवल 7% ही आवक हुई है। रोज की तुलना में आज कम आवक रही है। आज मतलब रोज जैसे हमारे यहाँ 13-14 हजार बोरी की जो आवक होती थी, उसकी तुलना में आज मुश्किल से 4-5 हजार बोरी की ही आवक हो पाई है। अलग अलग जिन्सों की, सोयाबीन, गेहूँ, चना वगैरह की आवक जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि किसान कम ही आए हैं आज मंडी के अंदर।